स्टूडेंट, आज हम लोग पॉलीनोमियल चैप्टर में फैक्टराइजेशन सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फैक्टराइजेशन में हम लोग सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करना, कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो ये जो बात है हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं हमने, और इनको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। और वह किस मेथड से करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रोसेस को समझिए। फैक्टराइज करना है कितना? 12x² - 7x + 1। तो देखिए, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो सबसे पहला काम यह होगा कि जो एक्स स्क्वायर का कोपिशियंट है वह, और साथ में जो कांस्टेंट टर्म है वह, इनका प्रोडक्ट कर लीजिए और इनको यहीं पे फैक्टराइज भी कर लीजिए। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 × 1। अब इन्हीं के टर्म में आपको 7 को एडजस्ट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 4 प्लस 4 × 3 करेंगे तो यह पूरा 12 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि यह जब स्प्लिट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें दो ऐसे फैक्टर चूज करेंगे जिसका प्रोडक्ट 12 आ रहा हो और जिसका सम या डिफरेंस 7 आ रहा हो। तो फिलहाल यहाँ पे सम कितना आ रहा है? 7। तो आप इसको क्या लिखेंगे? 12x², ठीक है, -4x - 3x + 1। तो देखिए 4 और 3, तो यहाँ पे 7x को क्या लिख दिया? -4x - 3x। अब इसके बाद आप इसमें से कॉमन ले लीजिए। तो देखिए क्या कॉमन दिख रहा है? 4x कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ बचा 3x - 1। आप यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है? माइनस कॉमन ले लीजिए, मतलब -1 कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3x - 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन है? 3x - 1, और यहाँ पर कितना बच गया? 4x, और यहाँ पर -1। तो ये देखा कि हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्वेश्चन नंबर 1 का फैक्टराइजेशन कर लिया। तो फिर से देखिए क्या देखना है, पहले जो एक्स स्क्वायर का कोपिशियंट है वो कांस्टेंट है, मैं उसका प्रोडक्ट कर लीजिए और उसके बाद इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है। फैक्टराइज करने के बाद इसी के टर्म में या जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर दीजिए, बांट दीजिए। जैसे -7x था तो हमने 4 और 3, तो -4x - 3x, मतलब -7x आ गया ना। अब उसके बाद आप कॉमन निकाल लीजिए दो दो टर्म का, और फाइनली आप इस तरीके से फैक्टराइजेशन कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल है, उसको देखते हैं, सेकेंड पार्ट। तो कहा गया 2x² - 7x + 3। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोपिशियंट 2 और कांस्टेंट टर्म 3, कितना हो गया? 6। तो आपको यहाँ पर 7 लाना है। आप देखिए 6 को आप लिख सकते हैं ना 6 × 1, तो आप -7x को लिख दीजिए 6x + x, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 2x² - 6x - x + 3। अब यहाँ से देखिए आप 2x कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा? x - 3। -1 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा? x - 3। और फाइनली कॉमन निकाल लीजिए x - 3, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2x - 1। तो ये हम लोग देख पाए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग फैक्टराइजेशन निकाल पाए हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट है, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर गिवन है 6x² + 5x - 6, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि ये जो दोनों नंबर हैं इनका प्रोडक्ट कर लीजिए, 6 और यहाँ पर 6, मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशियंट और कांस्टेंट हम साइन आप छोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया? 36। अब इसको देखिए, आप इसको मैक्सिमम फैक्टराइज कर लीजिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 ना, इसको भी क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। देखिए आ गया ये 6, ये भी फैक्टराइज है, मतलब 36 हो जाएगा। अब आपको 5 अरेंज करना है, तो देखिए आप क्या करिए कि इसमें सेट करना है, जैसे हमने लिख दिया ये 6 + 6 तो 5 तो नहीं आएगा ना, लेकिन अगर आप इसको ले लेंगे 3 और 3 तो देखिए 9 हो जाएगा, और 2 2 जा कितना? 4 हो जाएगा। तो 9 - 4 करने के बाद 5 आ जाएगा, है ना। तो आप इसको लिख दीजिए 6x² + 9x - 4x - 6, ठीक है। देखिए
9 माइनस फोर फाइव आ गया। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन दिखेगा, 3x कॉमन दिखेगा ना, तो बच जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पे x, और यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया तो 3 बच गया। अब यहाँ देख रहे हैं माइनस 2 कॉमन दिख रहा है तो कितना बच गया, 2x माइनस कॉमन लिया है तो 3। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए, क्या कॉमन निकलेगा, 2x प्लस 3, तो क्या बच गया, 3x माइनस 2। तो देखिए हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके थर्ड पोर्शन को भी कर पाए। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं, यह क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वाई स्क्वायर माइनस 12 रूट 3y प्लस 105, ठीक है। अब यहाँ पे रूट इन्वॉल्व हो गया तो इसका मतलब थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ गई है, लेकिन प्रोसेस वाइज कोई चेंज नहीं है। तो पहले आप क्या करिए कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 105 है, इसको लिख लीजिए, ठीक। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है, 105 को फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो आप इसको पहले फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद देखेंगे। तो जब इसका फैक्टर करेंगे तो पहले आप ऐसे फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो कर लेंगे 3 से करेंगे, 3 आएगा, ठीक है। और जैसे हम करके दिखा दे रहे हैं आपको, ऐसे भी कर सकते हैं, 105 है ना, तो पहले आप देखिए, यह सबसे पहले 3 से होगा, कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम से आएगा और 5, फिर देखिए फिर किससे होगा, 5 से होगा, ठीक है, कितना, 7, फिर किससे होगा, 7 से होगा, कितना आएगा, 1। तो आप इसको लिख सकते हैं 3, ठीक है, इंटू 5 इंटू 7। अब इसको आप देखिए 12 रूट 3 लाना है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, रूट 3 ऐसे तो आएगा नहीं, तो 3 को आप लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 5 इंटू 7। तो अब देखिए क्या लिखेंगे कि 7 रूट 3 और 5 रूट 3, क्यों, 7 प्लस 5 12 होता है ना। तो आप इसको कैसे लिख दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 7 रूट 3 वाई और माइनस 5 रूट 3 वाई, माइनस 5 रूट 3 वाई, ठीक, प्लस 105। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसमें आप कॉमन निकालिए। देखिए कॉमन हम लोग क्या निकाल पाएंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई, तो वाई कॉमन निकल रहा है, तो वाई माइनस 7 रूट 3 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 5 रूट 3 आप कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, क्यों भाई, 5 यहाँ पे भी मिलेगा, 3 फैक्टर में था ही, तो 5 रूट 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, वाई, और यहाँ पर देखिए यही ना था, तो 5 रूट 3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 7 रूट 3, ठीक है, आप इसको करके देख सकते हैं, देखिए, और 7 रूट 3 इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 5 रूट 3 निकाला कॉमन, 105 था तो 7 बचा और रूट 3। अब इन दोनों में से यह ब्रैकेट कॉमन है, कौन सा ब्रैकेट, 5 वाई माइनस 7 रूट 3 कॉमन है, तो यहाँ बच गया वाई माइनस 5 रूट 3। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया वाई माइनस 7 रूट 3 और वाई माइनस 5 रूट 3। फिर से देख लीजिए, पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए, चूँकि रूट 3 है तो आप 3 को फैक्टराइज फिर करिए ऐसे, रूट 3 इंटू रूट 3, यह अरेंजमेंट इसको देखते हुए किया। अब आपको चाहिए 12 रूट 3, तो हमने देखा कि 5 रूट 3 और यह 7 रूट 3, 7 प्लस 5 12 होता है ना, अरेंज कर लिया और उसके बाद हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, तो यह फैक्टराइजेशन हम लोग कर पाए। जहाँ रूट आ जाएगा वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 एक्स प्लस 6। अब यहाँ पर देखिए फिर वही काम करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट और कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 12। तो आप इसको फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। अब चूंकि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे रूट 3 फिर आ गया, तो आप 3 को फिर ब्रेक करिए, 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो देखिए अब कितना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम लोग यह देख रहे हैं कि 4, 2 टू या 4 रूट 3 प्लस रूट 3, तो 5 रूट 3 आ सकता है ना, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3, 5 रूट 3 तो था ही, तो इसको क्या लिख दिए, 4 रूट 3x प्लस रूट 3x, ठीक, प्लस 6। तो अब यहाँ से कॉमन निकालिए, देखिए 2 कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन निकल जाएगा, तो x प्लस, देखिए 2 कॉमन निकला है ना, तो 2 बचा 2 रूट 3, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए रूट 3 कॉमन निकालिए, क्या बचेगा, x, और देखिए यह 6 था तो रूट 3 कॉमन निकला, तो यहाँ पे बच गया 2 रूट 3, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोनों ब्रैकेट में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों जगह ब्रैकेट कॉमन है, x प्लस 2 रूट 3, ठीक, और यहाँ कितना बच गया, 2x प्लस रूट 3,
एक बात ध्यान दीजिए कि जब यह कॉमन निकालते हैं तो जितना यह आता है कॉमन निकालने के बाद उतना ही आएगा, तो आप जल्दी से चाहें तो क्विकली यह यहाँ लिख सकते हैं। बस ये देख लीजिए कि यहाँ पे कॉमन क्या लिया गया है। तो ये देखिए कि जो कुछ क्वेश्चंस थे और यह क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल थे और हम लोग यहाँ पर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन कर पाए, आइडेंटिटीज देखेंगे और इनका यूज हम लोग फैक्टराइजेशन करने में करते हैं। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज मेंशन की गई हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब ये कैसे आएगा, देखिए x प्लस वाई का स्क्वायर है तो किसी क्वांटिटी के स्क्वायर का मतलब है आपस में प्रोडक्ट, तो आप x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई करेंगे तो ये आ जाएगा। वैसे x माइनस वाई का स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो क्या x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है आप इसको प्रोडक्ट करिए ये आ जाएगा। वैसे एक आइडेंटिटी है x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में x प्लस ए बी, ऐसे या कुछ आइडेंटिटीज़ यहाँ पे मेंशन की गई हैं जिनका हम लोग फैक्टराइजेशन में यूज करेंगे या एक्सपेंशन में यूज करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फ़िलहाल यह सब आइडेंटिटीज़ आपको लर्न होनी चाहिए, तो इन सब आइडेंटिटी को आप लर्न करिए। और अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस इन आइडेंटिटीज़ पे जो बेस्ड हैं वह देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज़ फाइंड दिस प्रोडक्ट, मतलब यह प्रोडक्ट इवेल्युएट करना है और आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए। तो देखिए पहला हम देखते हैं x प्लस फोर और x प्लस टेन, तो आप देखेंगे कि यह इस फॉर्मेट में दिख रहा है, देखिए x प्लस ए और x प्लस पी, यह देखिए यह आइडेंटिटी जो लिखी गई x प्लस ए प्लस इंटू एक्स प्लस बी, तो यह क्या है फार्मूला, x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर ध्यान दीजिए एक जगह कितना है 4 है ना, और b की जगह कितना है 10, तो 4 प्लस 10 कितना हो गया 14x प्लस a इंटू बी, मतलब क्या 4 इंटू 10 कितना हो गया 40। तो देखिए ये इस आइडेंटिटी को यूज़ करके यह प्रोडक्ट हम लोग फाइंड कर पाए। अब आइए सेकेंड पार्ट पे आते हैं, y स्क्वायर प्लस 3 बाई टू एंड सेकेंड ब्रैकेट में है y स्क्वायर माइनस 3 बाई टू। अगर आप फॉर्मेट समझ रहे हैं तो ध्यान दीजिए यह फॉर्मेट आपको दिख रहा है, देखिए x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, आप इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख दीजिए a प्लस बी, और यह देखिए a दिख रहा है a माइनस बी, देखिए जस्ट लाइक दिस x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब a के प्लेस पे क्या दिख रहा है वाई स्क्वायर, b के प्लेस पे कितना 3 बाई टू। तो जो फार्मूला है या जो आइडेंटिटी है वह बता रही है कि x प्लस माइनस वाई और x प्लस वाई रहेगा, आप ये पहले प्लस लिखी बाद में माइनस लिखी कोई मतलब नहीं है उससे, तो यह आ जाएगा फाइनली x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो फिलहाल क्या होना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए a के प्लेस पे क्या था वाई स्क्वायर था ना, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर और बी की जगह क्या था 3 बाई टू। तो देखिए फिर से देखिए a की जगह y स्क्वायर था b की जगह 3 बाई टू, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए तो देखिए y स्क्वायर का स्क्वायर y के पावर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो इस प्रोडक्ट को हम लोग इवेल्युएट कर पाए कितना आ गया y टू द पावर 4 माइनस 9 बाई 4, ठीक। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट, तो देखिए क्या है x प्लस 2y है और x प्लस 2y है, ठीक है दो बार है, तो इसका मतलब देखिए यह कितना है x प्लस 2y का स्क्वायर है ना, दो बार है तो क्या हो गया स्क्वायर। अब आप इस फॉर्मूले से इसको ब्रेक कर दीजिए, देखिए दो क्वांटिटी का स्क्वायर क्या होता है फर्स्ट का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर टू टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो आप देखिए पहले फर्स्ट का स्क्वायर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस टू टाइम्स फर्स्ट फर्स्ट x सेकेंड क्या है 2y प्लस सेकेंड का स्क्वायर, देखिए ये अब a है इसको b समझिए, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी, आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो x स्क्वायर और देखिए यह क्या हो जाएगा टू टू जा फोर ना फोर एक्स वाई प्लस टू का स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर। तो यह हम लोग प्रोडक्ट कर लिए क्या आ गया x स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर। अब देखिए फोर्थ पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट क्या है यहाँ पर 2x माइनस 3y, यही ना, तो देखिए फिर क्या है 2x माइनस 3y,
तो आप अगर इसको लिखेंगे तो देखिए दो बार लिख देंगे ना, 2x माइनस 3y दो बार है, तो इसका मतलब स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर x माइनस वाई का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू टाइम्स, देखिए x माइनस वाई का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्लस सेकेंड का स्क्वायर तो टू टाइम्स। फर्स्ट क्या है यहाँ पर 2x है, सेकेंड क्या है यहाँ पे 3y है, प्लस सेकेंड का स्क्वायर, तो सेकेंड यहाँ पे कितना है 3y है ना, तो 3y का स्क्वायर। फिर से देखिए, फर्स्ट का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो कितना हो गया 4x स्क्वायर। और देखिए 3 × 6 × 12 12xy प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9y स्क्वायर। तो देखिए हम लोग इसका स्क्वायर कर लिए है ना, फर्स्ट का स्क्वायर तो डायरेक्ट आप देखेंगे तो 4x स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो देखिए ये जो कुछ एग्जांपल्स थे वह इन आइडेंटिटी पे बेस्ड थे, जिसका यूज करके यह जो प्रोडक्ट थे उनको हम लोग फाइंड कर पाए। नेक्स्ट टर्म पर हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि बाकी आइडेंटिटीज़ का यूज करके कैसे हम लोग एक्सटेंशन करते हैं या कैसे पॉलीनोमियल को का प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करते हैं, साथ में किस तरीके से उनको फैक्टराइज करते हैं। तो तब तक के लिए पहले आप यह आइडेंटिटीज़ जो लिखी गई हैं इसको लर्न करिए, और अगले पार्ट में हम लोग बाकी के टर्म जो है डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।